हाय गाइस आज मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है होमोडियोस। ये बुक ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में है ये बुक इस बारे में है कि जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा होगा क्या मशीन्स हम पे रूल करेंगी क्या कंप्यूटर्स हम पे रूल करेंगे क्या हमारे पास जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी क्या हम लोग ह्यूम्स बेकार हो जाएंगे क्या कोई और बड़ी पावर हम पे रूल करेगी तो ये जो बुक है ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के ऊपर है और मैं मानता हूं मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हमें फ्यूचर के बारे में जानना है तो इससे अच्छी बुक इस टाइम पे कोई नहीं है एट प्रेजेंट तो दिस इज द बेस्ट बुक पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं ऑथर का नाम है नो हरारी ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और इन्होंने ऑलरेडी तीन बुक लिखी हैं ठीक है एक पास्ट के ऊपर लिखी है एक प्रेजेंट के ऊपर लिखी है एक फ्यूचर के ऊपर लिखी है तो ये जो बुक है ये फ्यूचर के ऊपर है Osionfish. अब पहली चीज समझते हैं जो बुक का टाइटल है होमोडियस उसका मतलब क्या है होमोडियोस का होमोडियोस में का मतलब है एक आगे वाला इंसान कि इंसान फ्यूचर में कैसा होगा फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं राइटर कि फ्यूचर में इंसान कैसा होगा तो उस उस ज, जिसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इंसान कैसा होगा उसको उन्होंने टर्म दिया है होमोडियस ठीक है पहली चीज तो ये अब ये जो बुक है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है तो मैं हर एक पार्ट का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ठीक है ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्योंकि एक 80 पेज का इस बुक में एक चैप्टर है न्यू ह्यूमन एजेंडा जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो पहले चैप्टर में ऑथर क्या लिखते हैं जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्टरी चैप्टर जैसा मैंने बताया न्यू ह्यूमन एजेंडा कि जो इंसान का नया एजेंडा क्या है इंसान का जो आगे जो नया गोल है अब जो इंसान 2020 में जी रहा है तो फ्यूचर इसमें इसका गोल क्या है किस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑथर थोड़ा इस बारे में बात कर रहे हैं और इस समय यह भी समझ में आएगा कि जो बुक ये जो बुक में इनका जो बैक जो बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं वो कि, किस तरफ सेट कर रहे हैं सब्सिक्वेंट चैप्टर्स के लिए तो ऑथर कहते हैं कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी से पहले आज से सौ साल पहले या आज से पांच सौ साल पहले हजार साल पहले इंसान के पास मतलब पहले के टाइम में इंसान के पास तीन बड़ी प्रॉब्लम थी ठीक है पहली प्रॉब्लम थी फेमिन फेमिन का मतलब खाने की कमी होना ठीक है भूखमरी होना तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी हजारों लाखों लोग सिर्फ खाने की कमी की वजह से मर जाते थे ठीक है फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक ऐसा टाइम आ गया था इतनी खाने की कमी पड़ गई थी कि लोग ब्रेड के लिए सिर्फ लोग ब्रेड के लिए एक दूसरे को मार रहे थे तो इतनी खाने की कमी आई थी ठीक है फिर सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम क्या थी प्लेग प्लेग मतलब इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे कि स्पेनिश फ्लू तो 1917 के आसपास स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें 100 मिलियन के आसपास लोग मर गए थे और उसी ड्यूरेशन पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिर्फ मरे 40 मिलियन लेकिन स्पेनिश फ्लू से मर गए 100 मिलियन ऐसे ही स्मॉल पॉक्स वायरस था फिर एक ब्लैक डेथ थी तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों में पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती थी तो प्लेग एक बड़ी प्रॉब्लम थी पुराने इंसान के लिए फिर तीसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पुराने टाइम्स में वो थी वॉर जैसा हम सब जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ करोड़ों लोग मर गए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ करोड़ों लोग मर गए तो ये जो तो तीन प्रॉब्लम थी इंसान के पास फैमिन प्लेग और वॉर तो ये अभी करंट में हमारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है वो ऑथर ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती जैसा कि अभी आप जानते हो कोरोना हुआ है ठीक कोरोना भी एक तरह का प्लेग है इंफेक्शियस डिसीज है बट इन कंपैरिजन टू स्पेनिश फ्लू इन कंपैरिजन टू ब्लैक डेथ विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स हम उसको बेटर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो हम साल भर में इसको कंप्लीटली हम इससे इस गेट गेटरेड भी हो जाएंगे ठीक है तो ऑथर कह रहा है कि ऐसा नहीं कि ये तीन प्रॉब्लम्स दोबारा हो नहीं सकती हमारे साथ फैमिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता या ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेग या वॉर नहीं हो सकता हो सकता है बट विद द हेल्प ऑफ साइंस और जो हमने डेवलप कर लिया साइंस टेक्नोलॉजी तो उसकी मदद से हम उसको बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हम कोरोना को बेटर कंट्रोल कर पा रहे हैं इन कंपेरिजन टू स्पेनिश फ्लू और ब्लैक डेथ और रही बात जैसे कि वॉर की अगर बात करते हैं तो अभी आपको पता है बहुत लंबे टाइम से एक पीसफुल टाइम पीरियड है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जो उस टाइम बहुत ही क्योटिक टाइम पीरियड था तो अभी अगर आप लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हो या आपको घर लेना या आपको कहीं सेटल होना है तो आप ये नहीं सोचते अगले साल वॉर हो जाएगा लेकिन उस टाइम पर तो लोग यही सोचते थे कि मैं कुछ करूंगा अरे वॉर तो नहीं हो जाएगा अभी वॉर तो नहीं हो जाएगा अगले साल पूरे टाइम आदमी के दिमाग में बैकग्राउंड में टेंशन रहती थी कहीं अटैक तो नहीं हो जाएगा कहीं मेरे पे कोई दूसरा एनिमी अटैक तो नहीं कर देगा क्योंकि जो पूरी हिस्ट्री है हेमेरिटी की वॉर से भरी हुई है लेकिन आज के टाइम में आप कंपेरेटिवली बहुत पीसफुल पीरियड में रहते हो तो ऑथर ये समझा रहा है कि पहले टाइम पे जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने फैमिन की प्लेग की वॉर की वो आज उसके कंपैरिजन में जो उसकी सिवियरिटी है वो बहुत कम है ऑथर ने ये नहीं कहा नहीं हो सकता ऑथर कह रहा है कि सिवियरिटी बहुत कम है और अगर होता है तो हम उसको बेटर कंट्रोल कर पाएंगे तो अब ऑथर कह रहा है कि ये तीन बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है नहीं जो ये सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स थी तो हमारे पास अब सर्वाइवल वाली प्रॉब्लम्स नहीं है अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरी हैं ठीक है क्या है वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने वो कहता है कि अब हमारे पास एक गैप आ गया जैसे कि आपने जब सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स हटा दी तो अब इंसान के दिमाग को कुछ ना कुछ तो चाहिए खाली रह नहीं सकता तो उसके पास एक गैप आ गया खालीपन है तो अब उसने खालीपन को कैसे भरा उसने दो अब वो नई चीजों पे काम कर रहा है अब वो नई चीजें क्या हैं तो वो बोलते हैं सबसे पहली जो हमारे लिए जो नई चीजें जिस जिसपे हम काम कर रहा है इंसान काम कर रहा है वो है इमोर्टैलिटी इंसान अब काम कर रहा है इम, पे अब इसका जो इंसान का फोकस है वो आ गया है क्योंकि सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स नहीं है है तो अब वो वो नई नई चीजों पे काम कर रहा चीजें क्या है? पहली चीज ऑथर बोलता है इमोर्टैलिटी हम चाह रहे हैं कि इंसान को इमोर्टल बना दे और सुनने में आपको लगेगा ऐसा हो सकता है कभी क्या इंसान डेथ को डिफाई कर सकता है क्या इंसान कभी इमोटल हो सकता है मैं आपको बता देता हूं <laughs> बुक में लिखा है कि कुछ फ्यूचरिस्ट ऐसे हैं फ्यूचरिस्ट मतलब कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं फ्यूचर के ऊपर काम भी करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल कर रे कुर्जवेल बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये और बिल मॉरिस तो इन्होंने गूगल के साथ मिलकर वेंचर किया हुआ है ये ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो इंसान को अमर बनाने के लिए है ठीक है ये इस तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि इंसान अमर बने और ये बोलते हैं कि दो तक या दो हज़ार ट्वेंटी वन हंड्रेड तक इंसान इमोडल हो सकता है ठीक है ये भी बोला गया कि 2050 में ऐसा हो सकता है कि आपका एक ऐसा कोई चैम्बर होगा जहाँ पे आप जाके खड़े होंगे आपकी पूरी बॉडी स्कैन होगी कुछ अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है मान लो कैंसर है तो आपकी बॉडी में नैनो रोबोट्स छोड़ दिए जाएंगे नैनो रोबोट्स आपके कैंसर सेल्स को मार के बाहर आ जाएंगे और आपके जो पूरी बॉडी के सेल्स हैं जो है रिन्यू हो जाएंगे और आप उस कैंसर और आप उस चैम्बर के बाहर आ जाओगे मतलब क्या आप चैंबर के आपने अंदर एंटर किया आपके पुराने जितने भी सेल्स हैं बॉडी के सारे हट गए और एकदम से नए सेल आपके रिन्यू हो गए ठीक है और आपकी जितनी भी डिसीजेस थी वो भी खत्म हो गई स्कैन कर ली गई रोबोट्स ने स्कैन करी खत्म कर दी फिर आप उस चैम्बर के बाहर आ गए तो 2050 तक ऐसे एस्टिमेशन हैं फ्यूचरिस्ट के कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है अब होगा नहीं होगा एग्जैक्टली exactly वो कोई नहीं कह सकता बट ऐसा बुक में लिखा है कि फ्यूचरिस्ट इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी काम हो रहा है मैंने आपको नाम बताएं ये गूगल के वेंचर गूगल के साथ इन लोगों ने मिलकर ये लोग बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं ठीक है और ये कोई ऐसा नहीं कोई एवरेज माइंड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाईली ब्रिलियंट आई वाले माइंड्स हैं ऐसे एक फ्यूचरिस्ट ने बोला कि डेथ से डील करने के नॉर्मली इंसान के तीन तरीके होते हैं कि इंसान या तो डेथ को एक्सेप्ट करता है या डेथ को डिनाई कर देता है या डेथ से फाइट करता है तो वो फ्यूचरिस्ट बोलता है कि मैं डेथ से फाइट करूंगा ठीक है तो इस तरीके से और वैसे भी अगर आप देखोगे कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है ठीक है नैनो टेक्नोलॉजी है मेडिसिन की बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं स्टेम सेल है तो ये चीजें ऐसी हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए तो कुछ फ्यूचरिस्ट कह रहे हैं कि इंसान आने वाले टाइम में अमर हो सकता है इमोर्टल हो सकता है तो पहले तो वो कह रहे हैं कि जो इंसान जो अभी वाला इंसान है वो काम कर रहा है इमोर्टेलिटी के ऊपर सेकेंड जो इंसान वो कह रहे हैं काम कर रहा है वो काम कर रहा है हैप्पीनेस के ऊपर ये आदमी कितना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कंटिनुसली हम खुश रहें कंटिन्यूसली हम खुश रहें अगर आप अभी प्रेजेंट में भी देखोगे तो जैसे कि हम कंटिन्यूसली हम हम बोर नहीं होना चाहते हम चाहते हैं कि हम फटाफट फटा पबजी खेल लें या फटाफट फटा हम क्लब चले जाएं फटाफट मूवी देख लें या नेटफ्लिक्स लगा लें तो हम बोर्डम से भाग रहे हैं हम कंटिन्यूसली हमें चाहिए एक ट्रिगर चाहिए कंटिन्यूसली हम प्लेयर सीकिंग इंडिविजुअल बन चुके हैं कंटिन्यूस हमें प्लेयर चाहिए तो कह रहे हैं कि ऑथर कहते हैं कि अब जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज पर काम कर रहे हैं क्योंकि देखो प्लेयर क्या है प्लेयर बहुत हद तक आपकी एक बायो केमिस्ट्री है बॉडी की जैसे अगर आप खुश होते हो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो क्या होता है कुछ पर्टिकुलर आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं कुछ न्यूरो रिलीज होते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है डोपा मीन सेरोटोनिन इस तरह के कुछ क्या है हार्मोन्स हैं कुछ केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है तो कह रहे हैं कि अब जो साइंटिस्ट हैं वो चीज पर काम कर रहे हैं कि बेटर से बेटर हम केमिकल्स कैसे बना पाएं ताकि आपको हर टाइम बहुत अच्छा लगता रहे जैसे कि मान लो अभी आप वॉर में जा रहे हो तो वॉर में जाते थे पहले लोग तो बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं लेकिन अब क्या होगा वो वो केमिकल्स खा के जाओगे तो आपको डिप्रेसिंग लगेगा नहीं ठीक है तो बहुत हद तक ये बता रहे हैं कि जो हमारा प्लेजर है जो हमारा दुख है डिप्रेस होते हो तो वो भी क्या है एक तरीके का केमिकल है कुछ केमिकल्स का इम्बेलेंस है तो अगर आप डिप्रेस हो रहे हो आप खुश हो रहे हो तो ये सब क्या है केमिकल्स हैं बायो है तो अगर वो बायो है तो साइंटिस्ट उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं तो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लोग ठीक है तो साइंटिस्ट हैं प्रेजेंट में जो वर्ल्ड है उस पर काम कर रहा है ये न्यू ये है न्यू ह्यूमन एजेंडा जो अब जो प्रेजेंट का जो मॉडर्न मैन है वो उस पर काम कर रहा है वो फेमिन क्लेप पे काम नहीं कर रहा है सर्वाइवल की चीजें खत्म हो गई उसके लिए अब उसके लिए ये बड़ी चीज है कि मॉडल कैसे हो और अब वो कैसे पूरा टाइम प्लेयर वाले स्टेट में रहे ठीक है जैसे कि अब ड्रग्स लेते हैं लोग एल लेते हैं लोग कोकेन लेते हैं मेरजवाना लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या करते हैं वो ड्रग्स आपकी बॉडी की बायो को चेंज करते हैं तो लेकिन अब साइंटिस्ट ये भी जानते हैं कि वो हार्मफुल भी हैं तो अब विद टाइम क्या करेंगे साइंटिस्ट उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करते जाएंगे माइक्रो डोजेस सेट की जाएंगी या फिर जैसे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि आ, कुछ ऐसे चिप्स बना दिए जाएंगे वो चिप्स आपके ब्रेन में फीड कर दी जाएंगी वो चिप आपके ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को हिट करेंगे जिससे आपको खुशी फील होती है अगर तो आपने स्मार्टफोन में अपने बटन दबाया वो स्मार्टफोन आपका लिंक है आपके उस चिप से वो ब्रेन के उस पार्ट में फिट हो रखा है जहां पे आपको खुशी मिलती है तो आप दबाते रहोगे खुश होते रहोगे तो अल्टीमेटली क्या है आपके ब्रेन को आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं आपकी न्यूरो जो जो आपकी न्यूरोबायोलॉजी बायोलॉजी है आपके ब्रेन का पूरा सिस्टम है हार्मोन्स हैं केमिकल्स हैं उसको मैनिपुलेट करने से हम साइंटिस्ट कहते हैं इंसान को दुखी करा जा सकता है इंसान को बहुत ही ज्यादा प्लेजर वाली ब्लिसफुल वाली स्टेट में लेके जाया जा सकता है <laughs> तीसरा फिर यह कहते हैं इंसान काम कर रहा है अभी प्रेजेंट में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं डिविनिटी के ऊपर अब डिविनिटी क्या है डिविनिटी का मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो इंसान है वो सुपर ह्यूमन टाइप का बन जाए अब सुपर ह्यूमन कैसे बनेगा जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया इन्होंने एक ऐसा इंसान जो आधा मशीन है और आधा इंसान है जैसे आप मान लीजिए आपका हार्ट आर्ट श्रेड में हार्ट फेल हो जाता है तो हार्ट फेल होता है तो एक नया हार्ट लगा देते हैं ठीक है ट्रांसप्लांट हो जाता है हार्ट खराब हो जाती है हार्ट में आपके चार वॉल्व हैं हाँ, वॉल्व खराब हो गई तो एक आर्टिफिशियल वॉल्व लगा देते हैं तो आने वाले टाइम में ऐसा होता है जैसे आपका मान लो आर्ट श्रेड में भी बायोनिक आर्म्स हैं जैसे किसी का हाथ कट गया एक्सीडेंट में तो एक आर्टिफिशियल हाथ लग जाता है आर्टिफिशियल पैर लग जाता है तो कह रहे हैं आने वाले टाइम में इस तरह से इंसान बनेगा कि वो आधा इंसान होगा आधा मशीन होगा आपकी कोई हाथ कट गया पैर कट गया कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उस तो उसकी ऑर्गेनिक ऑर्गन्स क्या है ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिक है कार्बन हाइड्रोजन इन सब चीजों से मिलकर बनी है तो इन चीजों की जगह जैसे मान लीजिए मैंने बोला अभी एग्जाम्पल के लिए आपका लिवर खराब हो जाता है तो एक मशीन जैसी कुछ लग जाएगी यहाँ पे जो आपका लिवर का, का काम करेगा ठीक है बहुत लोगों की बॉडी में एक टाइप वन डायबिटीज में क्या होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन निकलना बंद हो जाती है आपके पेनिक्रियाज खराब हो जाते हैं तो आर्टिफिशियल एक पंप लगा देते हैं वो इंसुलिन रिलीज करता रहता है तो वो क्या रहा है मशीन्स की हेल्प से आप वो काम करवा रहे हो जो ऑरिजिनली आपके बॉडी में ऑर्गन्स करते थे तो विद टाइम साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि जो जो हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते जा रहे हैं जो जो चीज़ें बेकार होती जा रही हैं उसको हम मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं और मशीन बेटर काम करेंगी आने वाले टाइम में ठीक है ह्यूमंस के कंपैरिजन में तो ये वो कह रहे हैं धीमे धीमे क्या होगा जो ह्यूमन है वो एक अलग ही कुछ नया बन जाएगा एक नया ह्यूमन बन जाएगा सुपर ह्यूमन टाइप का बन जाएगा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ठीक है तो अब एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जैसा मैंने बोला कि हम इमोर्टेलिटी पे जो साइंटिस्ट हैं वो आदमी को इमोर्टल बनाने के लिए काम कर रहे हैं उसको एकदम हंड्रेड परसेंट उसको हमेशा पूरे टाइम वो हैप्पीनेस की स्टेट में रहे और फिर ऑर्गन्स उसके डैमेज होंगे नहीं नए टेक्नोलॉजी है बीमारी उसकी ठीक होती रहेगी कोई बीमार वो पड़ेगा नहीं ऐसे तो आने वाले टाइम में हो सकता है जो ह्यूमन है वो बिल्कुल ही अलग हो जाए जो हमारे अब आगे जो हमारे डिसेंडेंट्स निकलेंगे जो हमारे ऑफ निकलेंगे आने वाले बीस साल बाद पचास साल बाद वो कुछ और ही हो वो हमें समझ ही ना पाए वो हमसे इतने ज़्यादा सुपीरियर हों कि वो हमको ऐसे देखें जैसे हम अभी एनिमल्स को देखते हैं तो जितना डिफरेंस हमारे में और एनिमल्स में है उतना डिफरेंस उन ह्यूमन्स में और हमें होगा और लेकिन ये भी बोल रहे हैं ऑथर कि ग्रेजुअली होगा ऐसा नहीं कि कल ही जाके हो जाएगा या एक साल बाद हो जाएगा ग्रेजुअली ह्यूमैनिटी उस स्टेज पे पहुंच जाएगी जहां इंसान एक इवॉल्ड वर्जन बन जाएगा ठीक है तो ये, ये एक तरह का होमोडियोस है जिसको समझा रहे हैं बुक में कि एक नया इंसान अब वो नया इंसान एग्जेक्टली कैसा होगा ये आगे के ये चैप्टर्स में बताएंगे ठीक है जिसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा आगे के फ्यूचर चैप्टर्स में तो फिलहाल तो ये है कि अगर मैं एक समरी बताऊं आपको तो इसमें इन्होंने ये बोला है इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कि पहले अब के इंसान की तीन प्रॉब्लम्स थी फैमिन प्लेग और वॉर ये प्रॉब्लम्स तो हट गई हैं अब इंसान के पास खालीपन है तो उसने उस खालीपन को कैसे अब वो प्रॉब्लम्स हट गई तो कुछ तो चाहिए ब्रेन को काम करने के लिए खाली बैठ नहीं सकता इंसान तो इंसान ने क्या करा साइंटिस्टों ने क्या किया अब हमने कौन सी प्रॉब्लम्स पकड़ ली हमने प्रॉब्लम्स पकड़ ली इमोटैलिटी की हमने प्रॉब्लम्स पकड़ ली हैप्पीनेस की हमने प्रॉब्लम्स पकड़ ली डिविनिटी की इंसान को हमें कुछ नया ही एक अलग ही इंसान बना दें विथ टाइम दो तक या ट्वेंटी तक तो अब कितना इसमें इंसान सक्सेसफुल एग्जैक्टली हो पाएगा और क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए जिस जो हमारी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं कि क्या हम सही काम कर रहे हैं क्या ऐसा नहीं होगा इसकी वजह से जो नॉर्मल इंसान है वो यूज़लेस हो जाएगा एक एवरेज इंसान है वो तो बेकार हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा क्या ऐसा होगा क्या इंसान यूजलेस होगा क्या जिस डायरेक्शन में अभी ह्यूमैनिटी चल रही है क्या वो डायरेक्शन सही है हमारा इन सब के बारे में डिटेल में जो मैंने बोला कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है बुक ऑथर ने समझाया है आगे की वीडियोज में मैं आपको पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अलग अलग वीडियोज में लेके आऊँगा समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या क्या डिटेल में है तो बाइज़ ये था वीडियो आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो उसको सबसे ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ये पार्ट वन था इंट्रोडक्टरी वीडियो है नाइस डे बाय टेक केयर